अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर SSC क्लास। ओपन योर वर्कबुक एंड टेक आउट पेज नंबर 68। ओके, वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आई हैव ओल्ड एडिशन बुक एंड यू हैव न्यू वन। सो जस्ट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पेजेस नंबर। मेरे पास पेज नंबर 68 है, आपका पेज नंबर डिफरेंट होगा। द रेस्ट ऑफ द वर्क इज सेम, ये वर्क बिल्कुल सेम होगा, जस्ट द पेज नंबर इज डिफरेंट। ओके, सो मेंशन द क्लास वर्क, डेट एंड डे। चैप्टर नंबर 2 नेशनल हीरोज, हमने इसकी रीडिंग को ख़त्म कर लिया है। सो टुडे वी आर डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ द वर्क बुक ऑफ चैप्टर नंबर 2 नेशनल हीरोज। सो कायद आज़म एंड इलामा इकबाल, ड्रा द जिना कैप ऑन कायद आज़म। सो यू हैव टू ड्रा द कैप ऑफ कायद आज़म। ओके, ही वेयर द कैप लाइक दिस, ऐसी कैप पहनते थे ना, तो आपने यू हैव टू ड्रा द जिना कैप ऑन कायद आज़म लाइक दिस। सो लेट्स कम ऑन, कायद आज़म और इलामा इकबाल मैच। द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कायद आज़म 25 दिसंबर। ही गॉट हिज एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन लंडन। ही डाइड ऑन 11th September। देन इलामा इकबाल वॉज बॉर्न इन सियालकोट ऑन 9th November। Then he got his higher education in England and Germany. Qaid Azam was born in Karachi. He was the great leader. Ilama Iqbal was died in 21st April. He was buried in monument near Badshahi Mosque. You can see I mentioned the arrows. And the tomb of the Qaid Azam is in Karachi. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वर्क, आपने इसे अपनी वर्कबुक पे करना है। पेज नंबर जस्ट इज़ डिफरेंट, द अदरवाइज आपका ये जो वर्क है ये सेम होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।